नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 6, जो कि है एक कविता, और उस कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पर बच्चों एक गतिविधि दी हुई है आपको। बच्चों, आप कभी ना कभी चिड़ियाघर घूमने तो गए ही होंगे। वहाँ आपने किन किन जानवरों को देखा, उनके नाम लिखो। साथ ही वहाँ जो जानवर पिंजरे में बंद थे, नीचे खाली बॉक्स में उनके चित्र बनाकर आपको रंग भरने हैं, साथ ही उनके नाम भी लिखने हैं। तो चलिए आप सब ये गतिविधि करेंगे और हम करते हैं कविता में प्रवेश। बच्चों, स्वतंत्रता हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अपनी इच्छा से जीने, सोचने और कार्य करने की आज़ादी देती है। यह हमारी पहचान और व्यक्तित्व को विकसित करने का आधार है। सभी के लिए स्वतंत्रता समान रूप से आवश्यक है, चाहे वह व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र। कविता में स्वतंत्रता के आनंद और परतंत्रता की कठिनाइयों का वर्णन किया जा रहा है, और बच्चों ये वर्णन किया जा रहा है पंछियों के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। इस कविता में पंछी अपने पिंजरे में होने की व्यथा को बताते हैं, पिंजरे में होने के दर्द को बताते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पंछी कहते हैं, क्योंकि वो पिंजरे में बंद हैं, कि हम तो उन्मुक्त गगन के पंछी हैं, हम तो स्वतंत्र गगन में उड़ने वाले पंछी हैं, हम पिंजरबद्ध होकर नहीं गा सकते, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों मतलब सोने की भी तीलियां हो चाहे पिंजरे की, हम उनसे टकरा टकरा कर हमारे पुलकित पंख, जो आनंदित पंख हैं हमारे, वो टूट जाएंगे। यही दशा ये अपने राष्ट्र की भी बताना चाह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कि ये जो हमारा देश है, भारत देश है, जो इस समय परतंत्र है, वह खुल के नहीं गा सकता। चाहे आप उसे सोने के पिंजरे में भी बंद कर दो, उससे टकराकर उसके पंख टूट ही जाएंगे, वह कभी भी पुलकित आनंदमय नहीं हो सकता है। हम बहता जल पीने वाले, आगे पंछी कहते हैं कि हम तो बहते जल में से पानी पीते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूखे प्यासे मरना पसंद करेंगे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में पड़े हुए भोजन से, मैदा से बहुत ज़्यादा भली है कि हम कड़वी नीम को खाएं। हम परतंत्र होकर पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में रखे भोजन की बजाय नीम को खाना पसंद करेंगे, नहीं तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, हम बंद कर सोने की जंजीरों में बंद कर अपनी गति, अपनी उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। फुनगी कहते हैं बच्चों पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाल को। तो पंछी कहना चाह रहे हैं कि हम तो अपनी उड़ान भी भूल गए हैं, बस अब पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठकर झूला झूलना, ये हमारा सपना ही रह गया है, हम बस इसका स्वप्न ही देख सकते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, हमारे तो अरमान ऐसे थे कि हम नीले आसमान की सीमा को पाने के लिए उड़ जाएं, इतना ऊंचा हम उड़ना चाहते थे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और उस सीमा पर पहुंचकर हम अपनी लाल किरणों की जैसी चोंच को खोलकर
तारों के समान अनार के दाने चुगना चाहते थे। वो अपनी महत्वाकांक्षा बताते हैं कि वो कितनी ज़्यादा उन्हें स्वतंत्रता प्यारी है। वे स्वतंत्र होकर ऊंचे आसमान की सीमा तक जाना चाहते थे और वहाँ तारों के समान अनार के दानों को अपनी किरण के समान चोंच से चुगना चाहते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पंछी कहते हैं कि जब हम इतने ऊपर उड़ते तो जो वो सीमाहीन क्षितिज है, आसमान है, उनसे हमारी होड़ा होड़ी होती। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो तंती सांसों की डोरी। या तो हम क्षितिज से जाकर मिल जाते, या फिर हमारे सांसों की डोरी छूट जाती, तन जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें चाहे टहनी का नीड़ मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमें घोंसला मत बनाने दो। हमारा आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, ख़त्म कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। लेकिन हम पंछी हैं, हमारे पास पंख है, हमारे पास सपने हैं उड़ने के, हमारी कुछ महत्वाकांक्षाएँ हैं, उस उड़ान में आप विघ्न ना डालो। हमें अपना कैदी ना बनाओ, हमें स्वतंत्र कर दो। और इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? स्वतंत्रता के लिए प्रेम से ओतप्रोत कविता है ये। इसमें दिखाया गया है कि किसी को भी, चाहे वो कोई पंछी ही क्यों ना हो, अपनी स्वतंत्रता कितनी प्यारी होती है। तो चलिए, इस कविता में दिए हुए हैं हमें कुछ कठिन शब्द जो आपको लिखने हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका में। उन्मुक्त गगन, पुलकित कटुक निबोरी, स्वर्ण श्रृंखला उड़ान, तरु फुनगी सीमा, क्षितिज आश्रय, विघ्न चुगते। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ हमें दिए हुए हैं कुछ शब्द अर्थ जिन्हें आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। पंछी, चिड़िया, पक्षी, कनक, सोना, धतूरा, उन्मुक्त बिना बंधन के, फुनगी वृक्ष या शाखा का सिरा, पुलकित प्रसन्न, विघ्न बाधा। और अब हम करते हैं बात पाठ की। बताओ क्या पढ़ा? पिंजरे में रहकर पंछी क्या भूल गए हैं? पिंजरे में रहकर पंछी अपनी उड़ान भूल गए हैं। कविता के अनुसार पंछियों के क्या अरमान हैं? कविता के अनुसार पंछियों के अरमान है कि वह इस नभ की सीमा तक जाएं और वहाँ अनार रूपी जो तारे हैं उन्हें अपनी किरण रूपी चोंच से चुगें। प्रस्तुत कविता के कवि कौन हैं? शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। गगन में उन्मुक्त होकर कौन उड़ना चाहता है? पंछी। पंछी कैसा जल पीना पसंद करते हैं? बहता हुआ। कनक कटोरी में क्या रखा है? मैदा। पंछी कैसे झूले में झूलना चाहते हैं? पेड़ की डाली पर। रिक्त पंक्तियों को पूर्ण करें। यहाँ हमें कविता की कुछ पंक्तियाँ पूर्ण करने के लिए दी हुई हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों, आगे भी हमें ख और ग कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं जिसमें से ख आप करेंगे अपने ग्रह कार्य में। और ग है यहाँ पर, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान विघ्न ना डालो। आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। पंछी गगन में उड़ने से घबराते हैं? नहीं, वो तो उड़ना चाहते हैं। पंछी पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हैं? हाँ, सही। पंछी पिंजरे में कैद रहकर अपनी उड़ान भूल चुके हैं? सही। पंछी सोने की कटोरी वाली मैदा को नहीं खाना चाहते हैं?
सही। पंछी नीले आकाश की सीमा पाना चाहते हैं, सही। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पंछी क्या चाह रहे हैं? पंछी सोने के पिंजरे से आजाद होना चाह रहे हैं, वह अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। पिंजरे में बंद रहकर पंछी किन किन खुशियों से वंचित हैं? पिंजरे में बंद रहकर पंछी ना तो उन्मुक्त गगन में उड़ पा रहे हैं, ना ही वह पेड़ की डाली पर झूल पा रहे हैं, पेड़ की तरु की फुनगी, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूल पा रहे हैं, ना वे बहती नदी से जल पी पा रहे हैं। इस प्रकार पंछी पिंजरे में रहकर अनेक प्रकार की खुशियों से वंचित हैं। कवि ने इस कविता में किसकी व्यथा का वर्णन किया है? कवि ने इस कविता में पंछियों की व्यथा का वर्णन किया है, जो कि सोने के पिंजरे में कैद हैं। कवि ने गुलामी की तुलना किससे की है? कवि ने गुलामी की तुलना सोने के पिंजरे से की है। जिस प्रकार पंछी सोने के पिंजरे में कैद हैं, उसी प्रकार हमारा देश भी गुलामी के पिंजरे में जकड़ा हुआ है। पंछी सपनों में क्या देखते हैं? पंछी सपनों में देखते हैं कि वह तरु की फुनगी पर झूल रहे हैं, वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर झूला झूल रहे हैं। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो से क्या तात्पर्य है? तो इन पंक्तियों से तात्पर्य यह है कि पंछी कहना चाह रहे हैं कि चाहे हमारे घोंसले को नष्ट कर डालें, चाहे हमें टहनी का नीड़ भी ना दे, हमें वहाँ पर आश्रय भी ना दे, लेकिन यदि हमें पंख दिए हैं तो हमें खुले आकाश में उड़ने दो, हमें पिंजरे में कैद करके मत रखो, हमारी उड़ान में बाधा मत डालो। तो इस प्रकार बच्चों ये कविता यहाँ समाप्त होती है, और आशा करती हूँ कि अब आपको भी ये कविता समझ में आ गई होगी और साथ साथ स्वतंत्रता का मूल्य भी समझ में आ गया होगा। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।